हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट 3ds मैक्स एडवांस कोर्स इन हिंदी में। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के बारे में डिस्कस किया है और उसके अलावा मूव, रोटेट और स्केल के बारे में डिस्कस किया है। ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बारे में। एंड वन मोर थिंग गाइज, अभी रिसेंटली हमने 15,000 व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं हमारे चैनल पे, इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन हेड्रा है, तो हेड्रा पे हम क्लिक करेंगे एंड देन We need to make that shape. Maximize करेंगे Alt plus W के साथ, Rotate करेंगे Alt plus Scroll button के साथ। तो अभी यहाँ पे हमारे पास shape है, Modify पे जा करके हम यहाँ से इसका size define कर सकते हैं कि किस parameter में हमें ये shape बनाना है। तो as you can see, इसको हम modify कर सकते हैं, ऊपर आते हैं scroll करके। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एज आई सेड कि जो हमारे पास एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स हैं, विच इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। तो अभी यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो टेट्रा, देन नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब। अभी टेट्रा में आपको साइज़ को चेंज करना है, तो हम यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं और शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पी पैरामीटर में, क्यू पैरामीटर में इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। स्केल को अगर हमें चेंज करना है तो स्केल को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, एज यू कैन सी इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब शेप है, इसी तरह से हम क्यूब में भी अगर पैरामीटर हम डिफॉल्ट रखते हैं 0 और स्केल भी डिफॉल्ट रखते हैं 0, तो ये कुछ इस तरह की शेप होगी क्यूब। अगर पैरामीटर यहां से डिफाइन करेंगे सो इट विल लुक लाइक दिस, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है डॉडेक शेप, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे और पैरामीटर्स इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक शेप बन गया। इसी तरह से हम स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार टू भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और पैरामीटर सेंटर से हमें वर्टिसेस को काउंट करना है, यहां से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, रीसेट करना है तो क्लिक करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट जो शेप है हमारे पास हेड्रा, उसमें हम काम कर सकते हैं, जो भी शेप हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट शेप हमारे पास है टोरस नोट। टोरस नोट के लिए हमें क्लिक करना है एंड देन इस तरह से ड्रैग करना है माउस को, उसके बाद रेडियस डिफाइन करेंगे, पाइप का रेडियस हमें कितना रखना है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अभी नोट शेप हमें यहाँ पे चाहिए बेस कर्व में या फिर सर्कल चाहिए, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सी शेप हमें यहाँ पे फाइनलाइज करना है। देन उसके बाद रेडियस, ओवरऑल, नंबर ऑफ सेगमेंट, पी पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगी, क्यू साइड को भी हम चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमें यहाँ पे शेप मिल गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, ओवरऑल रेडियस अगर हम चेंज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाना चाहते हैं फॉर स्मूथनेस। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है असेंट्रिसिटी, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये हल्का सा स्ट्रेच हो गया है। देन उसके बाद ट्विस्ट हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ से हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लंप एक ऑप्शन है हमारे पास, तो लंप तब काम करेगा जब हम यहाँ से डिफॉल्ट लंप हाइट को चेंज करेंगे। मान लीजिए लंप्स की हाइट हमने रखी 10, उसके बाद जैसे ही हम लंप हाइट को चेंज करेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंसेस आपको अपीयर होंगे एंड ऑफसेट भी इसी तरह से काम करता है। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स में स्मूथनेस आपको कहाँ चाहिए, अभी आप देखेंगे तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट हमारा स्मूथ है। अगर यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स हमें अपीयर करना है तो हम साइड्स को ऑन कर देंगे, सो एज यू कैन सी यहाँ पे साइड्स अपीयर होने लगेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो ये हमारे पास है टॉरस नोट। कलर हमें चेंज करना है, इस इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेंज कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास एक डिफरेंट शेप आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से चैम्फर बॉक्स। अगर हम कोई भी बॉक्स बना रहे हैं और उसके कॉर्नर हमें स्मूथ रखने हैं तो चैम्फर बॉक्स हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैरामीटर्स पे चलते हैं, लेंथ इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, विड्थ यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, ओवरऑल हाइट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम फिलेट रेडियस हमें कितना रखना है हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ सेगमेंट, लेंथ, विड्थ और हाइट ये हम डिफाइन कर सकते हैं, फिलेट सेगमेंट, ओवरऑल हाइट हम कम कर लेते हैं यहाँ से, इस तरह से स्मूथनेस हमें रखना है। तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ऑब्जेक्ट है। आगे हम फिर इसमें मॉडिफायर्स भी देखेंगे। मॉडिफायर्स से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उसके शेप के अंदर उसके बिहेवियर को अगर हमें चेंज करना है तो हम मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। चैम्फर बॉक्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट है चैम्फर सिलेंडर। तो जैसे ही हम यहाँ पे हाइट देंगे नॉर्मल सिलेंडर की तरह, लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फिलेट का। और यहाँ पे अगर हम कैप में सेगमेंट ऐड करते हैं, फिलेट के अंदर सेगमेंट ऐड करते हैं, सो एज यू कैन सी ये भी कॉर्नर इसके बेंड हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन है चैम्फर सिलेंडर। मॉडिफाई करते हैं रेडियस, हाइट, ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल सिलेंडर की तरह हैं जो हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में किया था। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की ही तरह है। ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑयल टैंक है। इस तरह से हम ऑयल टैंक बना सकते हैं। प्रिमिटिव्स यहाँ से रेडियस हो गया, हाइट हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कैप हाइट हम चेंज कर सकते हैं, कितना हमें रखना है कैप हाइट, रेडियस को बढ़ाते हैं एंड देन कैप हाइट। आप देख सकते हैं भी आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेंगे, इस तरह से ना भी रखना है रख सकते हैं। अभी ओवरऑल हमें सेंटर से काउंट करना है या ओवरऑल रखना है ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाइट को ब्लेंड करना है, कॉर्नर ब्लेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर सकते हैं एज यू कैन सी। तो इस तरह से हम कैप्सूल की शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिमिलर, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैप्सूल है। ये बिल्कुल ऑयल टैंक की ही तरह है, इसमें भी ऑलमोस्ट आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्पाइंडल है। स्पाइंडल हम बनाते हैं, आप देख सकते हैं इसके जो टॉप और बॉटम पॉइंट है वो बिल्कुल शार्प रहेंगे, तो कैप हाइट हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं विच इज स्पाइंडल। बाकी सारी चीज़ें प्रीवियस ऑप्शन की तरह सेम है। ये थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन है एल एक्सटेंशन, या इसको हम बोल सकते हैं एल टाइप एक्सटेंशन। इसको हम यूज़ करते हैं वॉल्स क्रिएट करने के लिए एल शेप के अंदर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोई शेप बनाई है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से, और यहाँ से हम फिर इसमें विड्थ डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से एल शेप में हम वॉल का डिज़ाइन कर सकते हैं। मॉडिफाई पे जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास एक साइड की लेंथ हो गया, ये हमारे पास फ्रंट साइड लेंथ है, इसी तरह से साइड विड्थ है, विड्थ हम बढ़ाना चाहते हैं, फ्रंट की विड्थ हम बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरऑल हाइट हम यहाँ से कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे सेगमेंट्स हैं। एल एक्सटेंशन के अलावा या एल टाइप एक्सटेंशन के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सी टाइप एक्सटेंशन है। इसमें आप बिल्कुल कवर्ड वॉल बना सकते हैं इस तरह से, तो ये सी टाइप एक्सटेंशन बनेगा हमारे पास। तो ये भी हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है बैक, फ्रंट और साइड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ज़ेनगॉन, ये भी एक तरह की शेप होती है जिसके कॉर्नर हम यहाँ से चैम्फर कर सकते हैं। तो इस तरह की शेप होती है, मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स कितना हमें चाहिए कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरऑल रेडियस हमें कितना चाहिए, कॉर्नर फिलेट हमें कितना करना है एंड हाइट हमें कितना करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रिंग वेव। रिंग वेव एक तरह का एनिमेशन टूल भी है, जैसे यहाँ से अगर हम इसे प्ले करेंगे एनिमेशन बार में तो ये इस तरह से अपीयर होगा, इस तरह से एनिमेट होगा। वाटर इफेक्ट्स में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह जब हम बनाते हैं तो वाटर के साथ अगर हमें कॉर्नर्स को भी वेरिएबिलिटी में स्मूथनेस शो करना है या एनिमेशन शो करना है तो हम इस शेप का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके एक्सटर्नल साइज में भी अगर हमें एनिमेशन क्रिएट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी डिटेल ऑप्शन है ये। जैसे ओवरऑल रेडियस यहाँ से चेंज करेंगे,
रेडियस के अंदर अगर हमें सेगमेंट देने हैं तो सेगमेंट भी ऐड कर सकते हैं, विड्थ हमें चाहिए चेंज कर सकते हैं, हाइट हमें ऐड करनी है तो थिकनेस इसमें ऐड हो जाएगी इस तरह से, उसके अलावा हाइट सेगमेंट भी दे सकते हैं। अभी रिंग वेव में जब हम एनिमेशन कर रहे हैं तो सर इनसाइड एनिमेशन हो रहा है, अगर आप ग्रोथ एंड स्टे करेंगे तो बिल्कुल जीरो से शुरू होगा और मैक्सिमम जाके स्टे एनिमेट करेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास साइकिल ग्रोथ है, ये जीरो से लेके 100 तक जाएगा इन अगेन 0 100 0 100, ये साइकिल ग्रोथ चलता रहेगा इसी तरीके से। तो ये होता है साइकिल ग्रोथ, तो ग्रो एंड स्टे कर लेते हैं। उसके बाद फिर टाइम है कि कहाँ तक आपको मैक्सिमम ग्रो करना है, तो ये 60 हमने रखा हुआ है। सो एज यू कैन सी ये 0 से 60 तक ग्रो होता है, उसके बाद एनिमेट होता है कॉन्स्टेंटली। अगर इसे आप चाहते हैं कि 0 से 100 तक ग्रो ही होता रहे तो आप इसे 100 रख सकते हैं और ये आप देखेंगे कि 0 से लेकर 100 तक इसका ग्रोथ ही होगा, एनिमेशन नहीं होगा। और अगर हम इसे 20 कर देते हैं तो 20 में ग्रो होके कॉन्टिन्यूसली एनिमेट होगा कुछ इस तरह से। इसके बाद है आउटर एज एनिमेशन। अगर हम आउटर एज ब्रेकअप ऑन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से साइकिल्स ऐड कर देते हैं, लाइक हमने इसमें 5 साइकिल ऐड कर दी हैं, उसके बाद इसका फ्लक्स ऐड करते हैं यहाँ से, तो एज यू कैन सी जैसे हमने फ्लक्स ऐड किया और एनिमेशन प्ले करते हैं तो आउटर साइड में भी एनिमेशन होगा। क्रॉल टाइम हमें कितना रखना है, क्रॉल टाइम हम रख लेते हैं 20, तो ये 20 तक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा राउंड घूमेगा। तो इस तरह से क्रॉल टाइम हम चेंज कर सकते हैं। माइनर साइकिल को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, माइनर साइकिल हमें 3 चाहिए, उसका क्रॉल टाइम हम कर लेते हैं 10, ये भी काफ़ी फास्ट होगा देख सकते हैं आप। तो इस तरह से रिंग वेव का हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे सिनेरियो में, बहुत सारी टाइप ऑफ एनिमेशन में हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास होज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। सबसे पहले बेस रेडियस बनाएंगे, उसके बाद हाइट डिफाइन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है फ्री होज, फ्री होज के अंदर हम बॉटम में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल हाइट है, कितनी हाइट हम रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की। यहाँ से नंबर ऑफ सेगमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट हमें चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से नंबर ऑफ सेगमेंट जहाँ से स्टार्ट हमें करना है वो हम हाइट दे सकते हैं, एंड हम कहाँ पे कर रहे हैं उससे पहले हम रख सकते हैं कितना रखना है, नंबर ऑफ साइकिल हमें बढ़ाने हैं वो भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, डायमीटर माइनस है इनसाइड वो कितना कम रखना है कितना ज़्यादा रखना है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे होज की जो शेप है वो राउंड है, आप इसे रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से अपीयर होगा, राउंड करेंगे तो कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ से ये कंप्लीट हमने किया और यहाँ से रेक्टेंगुलर करते हैं, तो इस तरह से एक शेप आ गई है ये। डी सेक्शन हमें करना है तो यहाँ से आप डी सेक्शन भी कर सकते हैं, तो 3 तरह की शेप है मॉडिफाई करना है, यहाँ पे जाके फिलेट सेगमेंट रोटेशन यहाँ जाके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें टॉप और बॉटम हमारे पास है और हमें उसके बीच में होज को फिक्स करना है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये एडवांस ऑप्शंस में आता है, इन डिटेल में आता है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ये हम कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, टीपोट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसका डायरेक्शन है डिफरेंट, तो अब हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ, बॉटम और टॉप के साथ। तो यहाँ से हम गए, शेप हम ले लेते हैं यहाँ से राउंड और हमें इसे कनेक्ट करना है, तो बाउंड ऑब्जेक्ट विद पिवट करते हैं। सबसे पहले टॉप पिवट, ये हमारा टॉप पिवट हुआ, बॉटम पिवट, ये हमारा बॉटम पिवट हुआ, तो एज यू कैन सी ये बिल्कुल इन दोनों के बीच में फिक्स हो गया है। और यहाँ से हम इसका टेंशन जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक हमने ज़्यादा किया एंगल, यहाँ से बॉटम भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रेडियस को कम या ज़्यादा करना है, डायमीटर को कम या ज़्यादा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास होज। अगर चेयर के अंदर बैकग्राउंड में, अगर चेयर के बैक में हमें स्प्रिंग की तरह यूज़ करना है वहाँ पे भी हम होज को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है प्रिज्म। प्रिज्म एक तरह का फ्लेक्सिबल शेप होता है जिसको हम अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सी शेप है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये हम बना सकते हैं। अगेन स्टैंडर्ड में हम एक प्लेन बना देते हैं। इस तरह से ये सारे ऑप्शंस, ये सभी टूल्स काम करते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अलावा, जो हमने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स किया है तो ये सारे मॉडिफायर इस तरह से काम करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है
तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर इनमें कोई बातें आपको अच्छी लगी हैं या कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।